एडवर्टाइजमेंट लोगों में, ये देखो लोगो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एक ग्राफिकल एलिमेंट होता है या आइडियोग्राम, सिंबल या कोई एम्बलम, आइकन या फिर साइन, जो मिलके एक टाइप बनाता है, मतलब एक सेट और एक अरेंज तरीके का रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क भी बोलते हैं या फिर हम इसको कमर्शियल ब्रांड भी बोलते हैं। तो याद रखना कौन कौन सी चीजें हैं लोगों में, आइडियोग्राम, सिंबल, एम्बलम, आइकन और साइन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लोगो। ठीक है, लोगो डिजाइन क्यों किया जाता है, कि लोग उसको पहचान सके, इमीडिएट रिकॉग्निशन, कि लोग उसको देखें तुरंत और पहचाने, अरे ये तो इस कंपनी का ब्रांड है। द लोगो इज वन एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज कमर्शियल ब्रांड और इकोनॉमिक और एकेडमिक एंटिटी। देखो लोगो एक तरीके का क्या है, कंपनी का कमर्शियल ब्रांड हो जाता है। ठीक है, लोगो आर यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन कमर्शियल एंटिटीज। ऑब्वियस है, हम उससे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, न्यूमरस इन्वेंशंस एंड टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह यूज करते थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, ये देखो साइन कैसे, देखो डेंजर का साइन, तो वी सी साइंस एवरीवेयर लाइक दिस, बाय दिस या बाय दैट, डोंट टच दिस, डोंट टच दैट। तो ये देखो, तो अगर कोई डेंजर है, या नो स्मोकिंग का साइन देखो, ये नो स्मोकिंग का, ये क्या है, क्या है कि स्पीड कम करो, ये डेंजर। तो साइन बेसिकली टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये लोगों के अंदर है ना साइन। देखो सैंपल ऑफ वेरियस साइंस, नेक्स्ट देखो ये सब लोगों के टाइप्स हैं। सिंबल्स मैंने बताया था अभी आपको कि लोगों में क्या क्या चीजें आएंगी, तो साइन आया। सिंबल्स में देखो, ये देखो सिंबल कैसे हैं, किस टाइप के हैं, देखो ये आइसक्रीम शॉप का, ये देखो इसमें आइसक्रीम का सिंबल बना है ना यहाँ पे, ये देखो, ये देखो आर्चिवल में ये ए, ये जो लोगो बना है काइंड ऑफ, देखो ए ही तो है इसमें। ये देखो गायत्री, ये देखो ये उसका साइन है, ये तो ये सब सिंबल्स हैं। नेक्स्ट देखो इसमें, लोगो क्या होता है, लोगो एक तरीके से विजुअल आइडेंटिटी होती है। विजुअल मींस देखना, विजन करना बोलते हैं ना, विजुअल देख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड। अ मार्क, एक तरीके का मार्क होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड मेक्स इट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल टू एन ऑडियंस। सपोज जैसे फास्ट ट्रैक का साइन है ना, क्या किस टाइप का होता है फास्ट ट्रैक का साइन बताओ, देखो अगर फास्ट ट्रैक का होगा ना, तो उसमें ना किस टाइप का एक साइन लगा रहता है, इस टाइप का एक साइन रहता है फास्ट ट्रैक का, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कहीं तो। ये इस तरीके का एक सिंबल बना रहता है फास्ट ट्रैक में, अगर कोई वॉच वगैरह पहनता होगा फास्ट ट्रैक की, तो उसमें ये उसको दिखता होगा इस टाइप का एक साइन छोटा सा, तो मैंने बड़ा बना दिया है कुछ एक। और जब रेबैन का अगर आप लोग देखेंगे, तो उसमें रेबैन के स्पेक्स में ना वो रखा रहता है, साइन की रहती है रेबैन की, रेबैन के चश्मे में ऊपर में यहाँ पे रेबैन लिखा रहता है, उसकी साइन की रहती है उसमें ऐसे करके, कभी देखना उसके स्टोर वगैरह पे, तो ऐसे साइन की रहती है। और ये फास्ट ट्रैक का क्या लिखा रहता है, ये लोगो है, ये है ना, ये तो ये जो सिंबल है फास्ट ट्रैक का, ठीक, ये इसकी सिग्नेचर। तो ये सब विजुअल आइडेंटिटी है, जब अपन इसको देखते हैं ना, जैसे मैंने ये साइन देखी कहीं पे, तो मैं तुरंत बोलूंगी अरे ये तो रेबन का है, तो ये उसकी आइडेंटिटी है, विजुअल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बिल्ड ऑन द यूज ऑफ अ सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स
एंड इमेजरी टू सिंबलाइज अ ब्रांड एंड सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स. तो जब आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है तो उसमें कुछ स्पेशल कलर्स डाल दिए जाते हैं, फॉन्ट्स डाल दिए जाते हैं, या इमेजिनरी कुछ सिंबलाइज करते हैं और उसको दूसरों से अलग दिखाना. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स. लोगो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग सिंबल एंड शुड रिप्रेजेंट कंपनी सर्विस वैल्यू एंड फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट देखो इसमें. There are number of ideas floating around about what a logo is really is. If we were to ask most people what a logo is, they would have a variety of different answers. Obvious है, अगर आप लोगों से पूछोगे कि logo क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? Symbol, mark, sign. तो पांच टाइप के मेन logos होते हैं. देखते हैं अब अपन. फर्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, सिंबल या फिर आइकन होता है. तो ये देखो ये किसका है, आइकन बना हुआ. दिस टाइप ऑफ लोगो रिप्रेजेंट द कंपनी इन अ सिंपल बट बोल्ड मैनर. इन मोस्ट केसेस द इमेज इज एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, इमेज कैसे होती है? एब्स्ट्रैक्ट होती है इनकी. नेक्स्ट देखो, एंड स्टाइल टू गिव विजुअल इंटरेस्ट. जैसे ये एप्पल का है देखो लोगो, ये किसका है लोगो, ये वाला बताओ तो. मर्सिडीज. और ये वाला, ये पता नहीं कौन सा है. चलो देखो, तो ह्यूमन माइंड क्या करता है, इजिली रिमेम्बर कर सकता है. सिंपल फॉर्म मच इजियर देन द कॉम्प्लेक्स वन. नेक्स्ट देखो अब किस टाइप का है इसमें. ये देखो ये क्या है भाई, बताओ तो. वर्ड मार्क. क्या है ये? वर्ड मार्क रहता है जो. दिस आर यूनिकली स्टाइल्ड टेक्स्ट लोगो. ठीक है, ये वर्ड मार्क है. ये किस टाइप का है? टेक्स्ट लोगो. ये देखो, डेट स्पेल आउट द कंपनी और ब्रांड नेम. देखो इनके लोगो में इनकी कंपनी का नाम है. देखो ये डिज्नी, सोनी. टू यूज अक्रॉस ऑल देयर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कोलेटरल. सम एग्जाम्पल्स, फेसबुक, डिज्नी और सोनी. नेक्स्ट देखते हैं अब अपन इसमें. तीसरा है देखो लेटर मार्क. मतलब लेटर मार्क में इनिशियल्स लिखे जाते हैं. ये देखो ये किसका है, ये वाला देखो, ये एचपी का ये लेटर मार्क. ठीक है, ये किसका है देखो, ये वाला किसका है? नहीं पता मैं. कुछ नहीं पता तुम लोगों को. ये देखो ये एचपी का देखो ना लिखा है. ये देखो एचपी का फुल फॉर्म पता था कभी? एचपी के प्रिंटर और लैपटॉप्स लेते हैं, पता था? देखो ये नाम है कंपनी, हेलवेट पैकर्ड. ये देखो ये चैनल कंपनी का है, ये ब्रांड कंपनी है ना, जिसमें मोस्टली फैशन एक्सेसरीज वगैरह मिलती हैं, ये उसका है चैनल का. समझ में आ रहा है? ये देखो ये जनरल इलेक्ट्रिक का. ये देखो आया समझ में? अब तो पता है ना कि किसका क्या है. यस मैम. नेक्स्ट देखो आप. अब क्या लिखा है देखो, कॉम्बिनेशन मार्क. तो कॉम्बिनेशन मार्क मींस क्या होता है देखो, वर्ड मार्क भी है और सिंबल और आइकन भी है, दोनों चीज है ना. ये देखो एडिडास भी लिखा है प्लस साथ में इसका सिंबल भी बना है. स्प्रिंट भी लिखा है, तो देखो इसके सामने ये वाले वे भी बने हुए हैं, इसके वेव्स वगैरह. तो ये देखो ये स्प्रिंट लिखा है तो इसके साथ ये सब. एडिडास नाम लिखा है प्लस साथ में ये वाली इसकी फोटो भी. ये एयरलाइंस है हवाईयन, हवाई एयरलाइंस, तो उसमें एक वुमेन का फोटो है. ये देखो, तो दिस लोगो कंबाइंड वर्ड मार्क और सिंबल और आइकन टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द यूज ऑफ आइदर और बोथ
एलिमेंट्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाउट है कोई भी इन पॉइंट्स में तो पूछो पहले. नो मैम. देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें एम्ब्लम देखो कैसे बनाया ना, एक एम्ब्लम हार्ले डेविडसन का देखो, है ना, आ रहा है समझ में? यस मैम. देखो ये स्टारबक्स का, कॉफी का, एनएफएल, ये हार्ले डेविडसन का मोटरसाइकिल्स, तो ये देखो एक एम्ब्लम टाइप का बनाया है ऐसे. तो ये देखो ये कंपनी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं ना. अगर अब नेक्स्ट टाइम तुम ये सब देखोगे ना तो तुम तुरंत रिकॉग्नाइज कर लोगे, अरे ये तो इस कंपनी का है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये देखो एलिमेंट्स ऑफ लोगो डिजाइन. देखो कैप्चर पर्सनालिटी, लोगो शुड क्लियरली एक्सप्रेस अ कंपनी आइडेंटिटी, शुड टेल पीपल हु दे आर, व्हाट दे डू एंड हाउ दे वर्क एंड हाउ दे वांट टू बी सीन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो लोगो रहता है वो कैसे रहता है, बताता है कि वो कौन है, ऑब्वियस है ना. अब नेक्स्ट टाइम हम अगर ये एप्पल का ऐसे हाफ एप्पल का ऐसे देखोगे कटा हुआ तो क्या बोलोगे, ये किस कंपनी का है, एप्पल का. व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं, क्या आईफोन्स बनाते हैं. हाउ दे वर्क, कैसे वर्क करते हैं, आईफोन डिफरेंटली वर्क करता है फुल प्राइवेसी के साथ. एंड हाउ दे वॉन्ट टू बी सीन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम उस लोगों को देख के भी बता सकते हैं कि ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का, और वॉन्ट टू बी सीन मतलब ये एकदम लग्जरी ब्रांड में देखा जाता है. और अगर अपन ओप्पो और रेडमी का लेखेंगे और उसका लोगो भी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे और बोलेंगे ये लग्जरी का नहीं है तो एसेंशियल है. मतलब सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. पीपल आर ड्रॉन टू क्लीन अनक्लटर्ड लोगोज बिकॉज दे कैन ईजली रिकोगनाइज इट एट अ जैसे वो इजिली रिकॉग्नाइज हो सकें. बिजी क्राउडेड लोगोज विद इंटीग्रेट डिटेल्स और एलैबरेट पिक्चर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग. जो बहुत अजीब से नहीं रहते हैं हॉटस्पॉट्स टाइप के, वो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं लोगोज वगैरह ऐसे. नेक्स्ट देखो इसमें कलर प्लेलेट रहता है. येस 80% ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लोगोज यूज आइदर वन कलर और टू कलर. ठीक है, जो 80% लोगोज हैं वर्ल्ड के वो या तो एक या उससे ज्यादा नहीं है ना. नेक्स्ट देखो, जनरली 1, 2, 3 कलर्स आर यूज टू कीप थिंग्स सिंपल. मोर देन 3 कलर्स इज डिस्ट्रैक्टिंग टू द आई एंड द लेस मेमोरेबल. ये तो साइकोलॉजिकल रीजन दे दिया साइंटिफिक, क्या कि 3 कलर से ज्यादा है तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है. प्रोपोर्शनेटली क्या होता है, लोगो शुड फंक्शन एज अ वन कंप्लीट यूनिट. देखो लोगो जैसे एप्पल का जैसे ले, अब एप्पल में देखो आईफोन भी है, ईयरबड्स भी है, ठीक है, उसका आईपैड भी है और उसका वॉच भी है, आई सीरीज वॉच, ठीक, और उसके जो दुनिया भर के दूसरे उसका जो कंप्यूटर्स हैं, सॉरी लैपटॉप्स में वो जो डील करता है, तो उसका लोगो देखो एक ही और वो पूरी एक कंप्लीट यूनिट है. तो ये पूरी एक यूनिट को क्या करता है, मेंशन करता है. विड्थ शुड नॉट बी मच ग्रेटर देन द हाइट. विड्थ और हाइट ज्यादा होनी चाहिए. विड्थ कैसे होती है देखो उसकी, ये शुड नॉट बी, ये देख सकते जैसे हाइट इतनी है तो विड्थ उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इतनी. तो logos that are too tall are hard to read when reduced or enlarged. zyada bade symbol nahi honi chahiye, chote sweet simple. the design should work well on any size media from business card to billboard. agar hum uska logo kahin pe bhi batana chahe, jaise suppose agar hum ek blackboard hota hai bada college mein, agar hum usme bhi chipkaye to bhi wahi same rahe, aur agar hum chote se class ke mug mein bhi lagaye to bhi wo usi size ka kahin pe bhi fit hona chahiye. ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये लोगो इसमें नहीं आ पाएगा, इसकी तो बहुत छोटी सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. हाँ, अ फॉन्ट दैट सूट द पर्सनालिटी ऑफ योर बिजनेस.
फॉन्ट कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी को दिखाए बिजनेस की, अ फॉन्ट दैट सूट द पर्सनालिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट देखो, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसे नहीं कि हम कहीं से चोरी करके ला रहे हैं. यूनिक होना चाहिए, अपने आप में ही एक होना चाहिए. वन ऑफ अ काइंड, शुड बी ओनेबल, यू वॉन्ट टू बी एबल टू ट्रेडमार्क द लोगो डिजाइन. मतलब हमने जो लोगो बनाया ना, हम उस पर ट्रेडमार्क ले लें कि हमारे अलावा कोई और उसको यूज नहीं कर पाए. नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिकल, यूजेबल, एडाप्टेबल. टू मैनी कलर्स विल कॉस्ट यू ए फॉर्चून एवरी टाइम. फिर देखो, जितने कलर्स यूज होते हैं, तो अगर हम विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं बिजनेस का, तो उसमें जितने कलर्स यूज करते हैं ना, उतना चार्जेस लगता जाता है. तो टू मैनी कलर्स विल कॉस्ट. शुड बी एबल टू ईजली कन्वर्ट टू ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ, अगर हम उसको ईजली कन्वर्ट करना चाहें ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो होना चाहिए. शुड बी क्रिएटेड इन वैक्टर फॉर्मेट. येस, वैक्टर फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि हम उसको रिसाइज कर सकें, ताकि जो इमेज की क्वालिटी है ना, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. नेक्स्ट देखो, अब देखो, हैव यू केस स्टडीज. वी हैव अ वंडर हाउ द फर्स्ट एप्पल लोगो इन 30 इयर्स बैक. क्या पता था आपको, पता है 30 साल पहले एप्पल का लोगो कैसे दिखता था? नहीं, है ना. डिड यू नो वॉक्सवैगन वाज हिटलर्स आइडिया. वॉक्सवैगन किसका आइडिया था? हिटलर का. और आईबीएम लोगो चेंज हुआ है कि नहीं? मर्सिडीज बेंज का ब्रांड और 3-point star लोगो, ये सब कैसे आया? देखो इसमें, ये देखो, ये देखो, ये किसका लोगो है? अमेज़न का. दिस लोगो डज नॉट सीम टू हाइड मच एट फर्स्ट साइट, बट इट गिव्स अ लिटिल इनसाइट इन द फिलॉसफी बिहाइंड द ब्रांड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द येलो स्वॉश लुक लाइक्स अ स्माइल. ये दो, ये देखो, ये जो लाइन खींचा ना, ये किसका सिंबल बनाया है इसने? स्माइल का. अमेज़न की फिलॉसफी क्या है? वॉन्ट टू हैव द बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. इसमें नेक्स्ट देखो, ये जो स्वूश बना है इसको, ये देखो कहां से कनेक्ट कर रहा है? ए से जेड तक. ये ए, ये जेड देखो लिखा है. द स्वूश ऑल्सो कनेक्ट टू द लेटर ए टू जेड, मीनिंग दैट दिस स्टोर हैज एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड. समझ में आया? फर्स्ट लेटर क्या होता है? ए, और लास्ट क्या है? जेड. तो देखो, ये ए से जेड पे हाईलाइट भी कर रहा है. तो एक तो ये स्माइल का काम कर रहा है, प्लस अमेज़न जो कंपनी है, इसमें ए से जेड तक जो लगा है, मतलब ए टू जेड सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है. आ रहे समझ में? लोगों का मतलब कंपनी की फिलॉसफी भी दिखती है इसमें. यही तो कंपनी की क्या है? फिलॉसफी है कि हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट. आया समझ में अमेज़न का? यस मैम. अच्छा था ना कॉन्सेप्ट अमेज़न वाले का? यस मैम. ऐसे ही सबके होते हैं, बट हमको क्या पता नहीं होता है कि किसका क्या है. नेक्स्ट देखो, फेडएक्स का, फेडरल एक्सप्रेस. देखो इसमें, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट लोगोज विद अ हिडन मीनिंग. देखो, इफ यू लुक क्लोजली, यू विल सी एन एरो That formed by the letter E and X. ये देखो, ये वाला E और X को देखो, ये वाला दिखा, एरो बना जो मैं ब्लैक से पॉइंट की, ये देखो है ना, ये एरो बना है ना, ये देखो है ना. कभी नोटिस किया था? नहीं. देखो, पढ़ के देखो, इसमें एरो, ये एरो क्या बताता है? स्पीड. देखो, आगे बढ़ता हुआ, देखो ये सामने की तरफ है ना, तो ये किसको बता रहा है? स्पीड को बता रहा है. ठीक है, ये कौन सी कंपनी में यूज होता है? ट्रांसपोर्ट, मतलब डिलीवरी वगैरह. तो अगर हम इससे अपने गुड्स मंगवाएंगे, फेडएक्स वगैरह से कोरियर करेंगे, तो एकदम स्पीड में मिलेगा. देखो, तो उनके लोगों में उनका कॉन्सेप्ट दिखता है. और देखो कितना सिंपल है, अगर कोई ध्यान से कंपनी की फिलॉसफी को पढ़ता तो उसको समझ में आता. नेक्स्ट देखो, देखो कॉन्टिनेंटल.
manufacturer of tires. You could actually see this in their logo because of the first two letters. तो देखो जो starting के दो letters हैं ये three dimension tire दिखेगा एक तरीके से ये देखो 3D टायर का एक वो लोगो टाइप का है ठीक है अगर कहीं पे भी देखोगे तो देखो यहाँ यहाँ पे ये एक सर्कल टाइप का बनाएगा ये जहां जहां पे इसने एक 3D का एक इमेज क्लियर किया है इसमें है ना एक टायर के जैसे देखो और कॉन्टिनेंटल भी एक टायर कंपनी का है देखो नेक्स्ट क्या है देखो ये चॉकलेट कंपनी है स्विट्जरलैंड की डेटा देखो आप ना एग्जाम्पल से यूज कर सकते हो इतना डिटेल में नहीं बट आप एग्जाम में यूज कर सकते हो लोगो वाले इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछेगा ही तुम्हारा एग्जाम में लोगो क्या है और सिंबल क्या है तो इससे अच्छा मटेरियल कहीं से नहीं मिलेगा देखो द सिटी ऑफ बियर्स बोलते हैं दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस आइडिया Because if you look closely, you will see the silhouette of beer. देखा इसमें? ये एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं एक सेकेंड रुको अगर नहीं समझ में तो बताती हूँ एक मिनट है ना देखो ये बियर का इमेज बन रहा है इधर से एक सेकेंड बताती हूँ मैं यहाँ से देखो ये बियर वाला बना ना यहाँ से है ना नेक्स्ट देखो इसमें देखो बहुत अच्छा मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नया सीखने को मिलता है तुम लोगों को इसमें देखो बास्किन रॉबिन्स क्या चीज का है देखो यू लुक दिस लोगो लुक सिंपली लुक लाइक द इनिशियल्स फॉर बास्किन रॉबिन्स बट इफ यू टेक अ सेकेंड लुक यू विल सी द नंबर 31 इन द एक्रोनिम ये देखो ये नंबर 31 ये 3 ये वन देखो 31 है ना ये हाईलाइटेड इन अ पिंक कलर दिस स्टेम फ्रॉम द आइडिया दैट बास्किन रॉबिन्स सेल 31 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम देखो 31 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम सेल करता है ये प्लस वन फॉर ईच डे ऑफ द मंथ है ना मतलब फर्स्ट को आज ये सब पोस्ट चॉकलेट सेकंड डे पे वनीला और रिपीट नहीं होता तो 31 टाइप ऑफ आइसक्रीम और हर मंथ के लिए एक तो आप इतना वैरायटी आप लोग वो अपने उसमें रख सकते हो तो ये देखो कंपनी के कॉन्सेप्ट है कंपनी बताती है जैसे मैंने बीच में बोला ना कि कंपनी क्या कैसे काम कर रही है तो ये पूरा उसके लोगो में क्या होता है मेंशन होता है नेक्स्ट देखो देखो सोनी इज वेल नोन ब्रांड ऑफ ये तो अब अलग हो चुका है ना ब्रांड हिडन मीनिंग देखो द फर्स्ट टू लेटर रिप्रेजेंट द बेसिक एनालॉग सिग्नल द लास्ट टू लेटर्स लुक लाइक देखो ये सोनी है ये देखो वायो ये सिग्नल का काम कर रहा है ये देखो ठीक है और ये वन और ओ जीरो डिजिटल सिग्नल ये कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजिकल टर्म में होता है जो कंप्यूटर्स वगैरह वाले होंगे ना उनको समझ में आता है ये वाले टर्म्स नेक्स्ट देखो इसमें ये देखो क्या लिखा देखो केयर फोर है ना is one of the biggest European retailer and it is also a French of crossroads. The logo symbolizes this word via two opposite arrows. देखो दो opposite arrows ये देखो एक ये arrow है और एक ये वाला arrow है देखो ये दो arrow बने हैं इसमें opposite direction में हैं दोनों. They also added the first letter of the name. ये देखो ये C देखो ये सी भी बनाया है इसने इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी द लेटर सी इन द नेगेटिव स्पेस बिटवीन द टू एरोज ठीक है तो ये रिटेलर्स की शॉप है फ्रेंच ऑफ क्रॉस रोड्स भी बोलते हैं इनको तो
नेक्स्ट देखो यूनिलीवर, देखो क्या दिया है यूनिलीवर के लिए. यूनिलीवर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड बेवरेजेस, बिवरेजेस, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर, मतलब यूनिलीवर के जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उसका देखो, है ना. नेक्स्ट देखो इसमें ईच पार्ट ऑफ अ लोगो हैज अ मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट रिप्रेजेंट लव, केयर एंड क्या कर रहा है हेल्थ. कहाँ है देखो हार्ट का सिंबल, देखा हार्ट का सिंबल, ये देखो देखा मैंने बनाया, उसमें हाईलाइट किया, ये देखो नहीं दिख रहा है क्या. ठीक है नेक्स्ट देखो फीलिंग गुड. अ बर्ड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. बर्ड कहाँ है इसमें देखो, बर्ड तो मेरे को भी नहीं दिख रही है, तुमको दिखी बर्ड किसी को ऊपर में राइट साइड. फिर नेक्स्ट देखो तो बोलने का मतलब है कि समझ में आ रहा है कि लोगो कैसे होता है ना. देखो एट फर्स्ट दिस लोगो माइट नॉट मेक मच सेंस. आवाज कट रहा है मैम आपकी, आवाज कट रहा है. अच्छा अब अभी भी कट रहा है बेटा. यस मैम सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग एग्जाम में नहीं ये वाला दे सकते हो, इस वाले टॉपिक में देना. ये देखो शेल वाला, अभी शेखर क्वेश्चन पूछा था ना तुमसे येलो वाला ब्रांड किसका है करके. यस मैम. देखो शेल का है, स्टार्टिंग में देखो 1900 में ब्लैक था, फिर देखो ऐसे चेंज हुआ, फिर देखो शेल माइंड, फिर देखो सन, इसमें देखो सन भी बन रहा है, फिर ये खुद के शेल में भी है ब्रेन का. तो ये देखो, और जेरोक्स देखो कैसे बन रहा है, कैसे स्टार्टिंग से देखो यहां से यहां तक पहुंचा है. नेक्स्ट देखो तो देखो ये नाइक का, बीएमडब्ल्यू देखो, मर्सिडीज का देखो, इवोल्यूशन देखो, है ना. ये देखो बीएमडब्ल्यू कैसे हुआ है, क्या चेंजेस हैं बीएमडब्ल्यू में, कलर्स का देखो डिफरेंस, है ना ये वाला. नेक्स्ट इसमें देखो ये मर्सिडीज का देखो. नेक्स्ट ये देखो आईबीएम का, नोकिया का, कैनन का देखो, पेप्सी का, माइक्रोसॉफ्ट, फोर्ड. तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए ऑफ इफेक्टिव डिजाइन लोगो, सिंपल, मेमोरेबल, टाइमलेस, वर्सेटाइल, अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट लोगो मस्ट बी सिंपल, मस्ट बी मेमोरेबल होना चाहिए, लोगों को याद रह जाए, टाइमलेस मतलब टाइमलेस, ऐसे नहीं लगे कि आउटडेटेड है. नेक्स्ट देखो वर्सेटाइल होना चाहिए, एकदम डिफरेंट, अप्रोप्रिएट. ठीक देखो ये डिज्नी वाइल्ड लाइफ का, स्टारबक्स, एक्सबॉक्स, प्लेबॉय, रेडबुल.
तो ये था अपना लोगो टॉपिक।